तुसु परब खातिर आई रहा तो आखिर तुसु परब के माने की लगे ये परब तो मना हतिन के लिए और ये परब तो मना ले आने वाला पीढ़ी के लाके की रास्ता मिलते। तो एक बात सीधा सा है, इतना इतना दुकानदार आते हैं, वो दुकानदार के पूछे कि तोरा खुशी कब मिलो, जितना है नवा डीट है दुकानदार है ओखनी के जाए कि इतने पूछिया कि दादा तोरा खुशी कखन मिलो, वो कहतो ना जखन हमें दो में पैसा कमाए लिए, कहटाई कहतो कि हमें जखन दो में पैसा कमाए लिए तखन हमरा खुशी मिले। पढ़े वाला किधर के खुशी का कान ना परीक्षा पास करी जाए, तो तैसने एगो किसान के खुशी का कान, वो एगो चाचा के खुशी का कान, ए चाचा घर सब एगो चाचा के खुशी का कान को दादू सब जखन धान के काटी के मड़ी के मसी के घर के भीतर डुकाई। तो जखन एगो चाचा है धान के मड़ी के मसी के अघन संक्रांति अपन डीवी के माध्यम से खेतक लाश बाली डबाचल है सही टके घर धोक है, तो देखिए हमने दो गो चीज के लक्की कहिया, एगो बेटी के एगो धान के, दो चीज के हमने बड़ी मान करी है, एगो बेटी के एगो धान के। तो सही नियर इटा मान्यता है कि धान टके किसान लाई पाल लाई पोस लाई बड़ा कर ले, यानी वो हिसाब से किसान खातिर धान के गल है बेटी समान, किसान का खातिर धान जे भेलै उटा बेटी समान भेलै। तो भाई बेटी जखन बापे घर एतै तो कि चुपे चुपे एतै खुशी मनतै कि नै, नाच गान भेतै कि नै, गीत संगीत भेतै कि नै, पुआ पकवान भेतै कि नै। तो सैटा जखन खेते जखन रहै धान गिला लास्टे ओकरा धानी माथै लादी के हमें तखन देनी और हो धान गिला बाइल गिला जखन बहिन गिलाय धारे आइन के स्थापना करै तुसु माटिक नाम से, कि एगो धान यानी बहिन स्वरूप और किसान खातिर बेटी स्वरूप वो घर आयल है। तो घर आयल है तो किसान खातिर घुसी के समय लगाए वो पूरा एक महीना अपन घरे अपना रखा है और खातिर गीत गावा है नया नया पकवान बना है और लास्ट पर कहल गया है कि बेटी को विदाई भी दिए है, तो ना विदाई दिए है तो ना तो नहीं अपन बेटी सबके विदाई दबाव ना व्यस्त से दिया, लेकिन ऐसा इतना ऐसा ले भाव तो बेटी का तो बाप ऐसा नहीं कर विदाई दे बाप। तेसने अब धान के जे आना लाइक तुसु मनी के तो कर विदाई तो भेताए, तो साय खातिर देखिया कभी भी जखन कोई बेटी के विदाई भेवाए तो अपन संगी सहेली के लिए अपना मुड़ा धर छोड़ा जाती, जब गांव में मुड़ा धर है तो हम छोड़े ले जाते गीत गाए थे दो चार को कांदबो करते छोड़े ले जाते। तो इसने देखिया तुसु मनी के यह पालकी के लिए देखे पावा ने इगला पालकी लगो इगला के चोड़ल कहल जाए हमने इजे धोनी आना ला इगला सजाई के इगला चोड़ल लगो, यानी एक तरह से पालकी ककर खातिर न जैसे पहले बेटी पालकी विदाई दे हो, तो ये बेटी के विदाई करे खातिर इगला पालकी लगो इगला चोड़ल लगो। तो सही खातिर पहले पूछे ले कि तुसु माने की, हमने पहले छोटा घर ही सोचा ले कि तुसु माने है इगला लगो, इगला तुसु नहीं लगो इगला ऊपर चोड़ल लगो ऊपर पालकी लगो। तो टुसु के ना एक मोटा धान का जनता बीचे बीचे रख रहे और अपना अपनी विदाई दे ली। तो भाई ये वो सवाल है तो ना कि टुसु मणि कर विदाई पानी नहीं का है, खेत खरियान है पहाड़ है टाय है, तो अपन विदाई पानी नहीं का है, एगो सवाल होना चाहिए कि विदाई पानी में कहा गया टुसु मणि के कहे न बेटी की विदाई कहाँ भेवाए ससुर घर, ससुर घर ना क्या नियम लगाए बेटी अपन बच्चा के जन्म कहाँ दे तो ससुर घर है तबे ना 500 बार तो है। तो सही नियम तुसु मनी जब धान लगाए अपन ससुर घर पानी भेले, देखो की तो है ना पानी हेले पानी खेले पानी तो के हो मने भीतर भाभी देखी पानी ससुर घर आ है ना सुनल हा। तो अब हटो भाई की ससुर घर पानी दे कैसे, तुसु मनी घर पानी दे ससुर घर कैसे, ठीक है तो मान लिए कि हाँ चल भाई टुसु मणि के ससुर घर पानी खेले, लेकिन कैसे का है पानी का ऊपर ससुर घर का है न जैसन कभी भी देखिया ससुर घर माने की जहाँ वो बच्चा माने अपन वंश के बढ़े तो धान में वंश का कहने तय जब ओकर में घर ना से छोटा मोटा पौधा निकल दो, यानी ओकर बच्चा उठा कह सका नया पर में वो नया अंकुर धर दो। तो घरे रख ले अंकुर धरते माटी रख ले अंकुर धरते बालू रख ले धरते जब तक पानी नहीं है, तो यानी पानी में जखन धान के मैसा भी ये पानी का धान संगे सटतो छुआ तो
तबे ओकर में अंकुर भारत हो सह खातिर पानी ओकर ससुर भार ला बुझे पा रहा है ये दादा सब बुझे पा रहा है ना माए मौसी काके जेठी तोनी बोल ए नुनी सब बुझे पा रहा है रुक ना जीबे 5 मिनट सुसुमनी ससुर घर कहां पानी कहे ना पानी का कम भांटी है के छोटा तभी ऊपर में हरा छोटा मोटा पौधा टी बाहर है तो सही खातिर जब के कोनो कहानी का तो राजा की बेटी रानी की बेटी इगला कुछ ना लगो तो सुमनी यानी किसान की बेटी अबे कौन किसान और धान रूपी बेटी मानुष रूपी बेटी ना धान रूपी चूंकि धान हमारे घर है लो सबसे खुशी के समय लो तो सेट लगो तो टुसू पर अब कहे ईटा हिया कहले की फायदा है केले सुना ती घर जाएंगी राजा वाले हम घर नहीं जीबे की तो की ले जाने सुने ले तो सेटा अब कहे है कि बाबू आज अगर तो एक टुसुक बात कर धाने की बात कर रहे हैं तो ईटा से इलाके की फायदा मिलता है ना ईटा से की फायदा मिलते पता हो आज देखी ले आज ये नूतन नूतन भाई बहन के लाए लो देखने का नहीं हिले आज जे नूतन नूतन भाई बहन के हमने कहा थोन अखनी धीरे धीरे खेती के प्रति धान के प्रति तनी अखनी कर जे ममता टा है घटी गेला है सही खातिर हमने धान के खेत गेला खील रही गेलो अब जब धान के खेत गेला खील रही गेलो तो परदेसे मौका देख लो कहलो बेची दे कहलो बेची दे तो बेची दे ही खा गए फटे रहा तो सही खातिर एगो किसान चाचा घर किधर के पूजा है तो कि हमने परम किला धान से रिलेटेड हो और धान हमने खेत से उगा हा तो जे भी भाई जीता है तो माटी टा का लाज रखे जब माटी टा हमने धान उगा बुझे पार ला तो सैटा लगे टुसु परब के माने और ये बात किला खास कर जितना बुढ़ा बुढ़ी गिला हा तो हनी नया पीढ़ी के बताए के जो नहीं तो तोहनी गेल बात भुलाए जी तो सिरा जी तो सब खत्म है जी तो अरे अखनी ऐसे भी देखबे कर रही ये नया जे पीढ़ी हो अखनी दुनिया मोबाइल तक हो एक दिन मोबाइलिया छीन के देखिए मुझे मर जीव तो अखनी के बताओ कि हमनी दुनिया खेत में है हमनी दुनिया खरिहान में है हमार देवता भूखा गाछक तरे है कोनो नदी नाला पहाड़े है अखनी के बताओ और नाय बते में तो गालियो मोबाइल टी छीन के देखिए खास कर इंस्टा वाली गिला से धन्यवाद दे है ऐसे धन्यवाद सोबिन के दे हो क्योंकि इंस्टा वाली गिला करो रोल है बड़ी तोहनी सपोर्ट कर ला आज तुसु के आयोजन करे में तोहनी को धन्यवाद दे हो चला चला ले मना ना है लिमिट से चलाया फॉलो कर दिया फॉलो कर दे दो तो सही खातिर नया पीढ़ी के बतवा कि धान हमार खातिर की लगे ये खेत से हमार खातिर की लगे ये बारिश हारी के लिए हमार खातिर की लगे इगला जदि बचाई के नहीं रख पाए तो धीरे धीरे हमने खत्म भई जे भई आज देखब ना चंद्रपुरा दुगदा फुजरो बागमारा कतरास झरिया सिंदरी पाथरती जमाडोबा जितना हमने कोलियरी साइड सब खत्म भई गेल सब जमीन के लिए हमने लगल आज सब बेचाई गेल सब सिराई गेल तो सही खातिर आज जाके है तो आज गिदर गिला के बतवे है तो कि हमार संस्कृति के माने की लगे यदि अखनी के बताए नहीं पार भी यदि अखनी के बुझाए नहीं पार भी तो 20 बच्चर बाद सब सिराई जाते बचाई भाना बचाई भा बचाई के रखवाना और साथ साथ हमें हत्या कहो एक्चुअली फैलाए की ना कि दो चार को लोगे है कि कह दलाए हमने घरे बहु बेटी के लगे बहन के लगे कि तोरा पुण्य करे कहा तो शाम को भीने उपास कर 12 बजे खो 1 बजे खो 2 बजे खो अरे भाई तोरा पुण्य करना हो ना तो हमें तोरा पुण्य के सबसे बड़ा रास्ता बताए दे आज इटा को बहुत बड़ा कारण हो जे हमने बहु बेटी के पहला बात है हमने किसान घरे के लगे बासी तो बासी खाए के खेत जाए तो 2 बजे तक उपास रहबे सहमे तो भाई तोय ना अपन नुकसान कर ले तोय ना अपन बाप दादा खेती के नुकसान कर ले तबे ना खेत के लगे चलो तो तोरा सबसे पहले जाने है तो कि तोय किसान घरे धीरा पुता लगे तोय बासी मुहे खाए के बिना नहाल सिनाल खाए के तोरा एक बार खेत के चक्कर लगाई के आवे कहा तोर खतरे नियम गिला ना आया हो बाकी जदी तोरा पुण्य कमाए का हमें बताए दे हो कहा कि पूरा ब्रह्मांड में पूरा दुनिया में जितना पुण्य जितना धर्म एगो किसान एक छुवाई कर है उतना केव नहीं कर है बहुत भाई मंदिर जाए केव मस्जिद जाए केव चर्च जाए केव गिरजाघर जाए केव गुरुद्वारा जाए आरो जगह जाए सभी अपन पुण्य कमाए खातिर लेकिन एक बात याद रखिया सबसे तो पुण्य
अगर केहू कमा है तो किसान के छवाटा है खेत का से कमा है। अब कैसे से बताए दो, अभी ताली नहीं मार दिया बुझे ले भाई। धान रोपल हला ए दादा साहब रोपल हले, अब क्या लाल भाई के पूछाई गेल की अच्छा बुझ गेले बुझ गेले फुल 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 बुझ गेले। धान रोपल हला कते सभी धान रोपले हा, एक बार जाके याद करा तनी तो कि जखन पहली बार धान टा पकल हलय तो के खाय लगे। धान टा जखन पहली बार पकलो तो देखिया खेते घार गेले मूसा घूर होय गेल हो, यानी पहले मूसा ही खा लो। हाँ गो तो मूसा ही खाली खा लय ना दुआ भी दलय कि अरे किसान जैसने रहिए तोर बाल बुतरो सुखे रहते। बेकार से ना पुण्य कहीं है कि अभी रुक जा अभी आरो है इटा तो धान का खड़ा हले तक हम उसमें खेल ले। अब काट लिए ना वो ए दादा काट लिए ना तो काट लिए तो कुछ बाल झर गए झर ले ना तो झर ले तक हम क्या खेल ले चेहरा चिनगिन्नी सुगा मैना पेरवा कौवा एहो तो दुआ दिलो ए किसान जैसने रहिए सुखे रहिए तोर घर कुश्ती तोर घर परिवार भरले भरले रहते। मुसवे दिलो खेत में काटले तो गिरलो तो मैना चेरे चिनगिनी दिलो अभियो खत्म नहीं भेल है। अब काट के मुड़ुए आन के खरिहानी आन के डिगाई दिले डिगैल हा ना डिगैल हा ना जैसी डिगै भा जाए के देखिया तोर जाके चीटी पिपरी आई के अपन हुआ शुरू कर दिला हो। चीटी पिपरी यानी अबरी ककरा गेल है चीटी पिपरी खोटा के ओहो तो आशीर्वाद दिलो किसान जैसने रहिए सुखे रहिए। अभियो खत्म ना भेला हो माड़ा घुरे ले माड़ा घुरे ले ना एक दिगे धान एक दिगे पवार पवार क्या खेलो पवार गाय गोरु कड़ा महेश ओहो तो दुआ दिलो किसान सुखे रहिए। अभी भी खत्म ना भेला रुक जा आप की कर ले न भात धान खाते न भात खातिर ना तो भात जखन खातिर गेले तो सुखवा में ले के पछाड़ ले ए सुखवा ने बुझा ना बुझा ना सुखवा में पछाड़ ला तो जखन सुखवा में पछाड़ ला तो एक दिन के बेस चार एक दिन के खुदी का आप बताओ तो खुदिया ककरा दिला मुर्गिया के छेंगना के दिला ना ओहो तो दुआ दिलो किसान सुखे रहिए। अभियो खत्म ना गलो अभी तो सुपा से पछरल ही पछरल बाद डेगजिया में चढ़ाई भी हड़िया में चढ़ाई भी भतवा डबक गेलो डबकल बाद धारले धारल बाद एक दिगे मार एक दिगे भाप मड़वा ककरा गेलो छगरिया के पठरुआ के खसिया के ओ कहलो किसान सुखे रहो हमर पेट भर ले तो अभी भी खत्म नहीं चलो अब फतवा तो ढाई ले ले बांट ले खेबे की नहीं तो कभी कभी झूठा बोल जाए ना तो झूठा भाई लो तो याद कर की करे हैं आ देखो लिख दुवार मारे के लो 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 कुकरा के डली ना कुकरा के आप बताओ इतना पुण्य दुनिया में क्यों कमो है तो नहीं बताई दे तो नहीं पे हमें छोड़ दलियो हमें पुण्य हम कहे पुण्य कमाओ लेकिन अपन खेती बाड़ी छोड़ के भूखे प्यासे रह के अपन मने बाप दादा खेती का खेल रह के दो बजे नहा खा के हमारे हिसाब से किसान खातिर सही नहीं है। बाकी तोर अपन मान्यता हो तोरा अपन पुण्य कमाए को तो कमाओ जिसने कमाए बे कोकरो नीम के पेड़ से शांति मिला है कोकरो बरगद कोकरो पीपल का पेड़ से लेकिन किसान धारक लगे खेतवा से बहुत शांति हो बहुत लोग पेट मर गए बात मुझे पढ़ ला ना कोना गलत कह लिया की कोना गलत कह लिया की वो दादा साहब दादू साहब कोना गलत नहीं ना तो इतना सुंदर है वो कृषि के संस्कृति है अपन कृषि के संस्कृति के बचाए के रखिया ठीक है क्योंकि अंधार के समय है और शायद दो चार को दीदी सब आए लाओ अखनियो अपन कार्यक्रम कुछ रखब तो अखनियो के सुनी के जी हाँ हाँ जात जात तारे को छोटा सा संस्कृति का उदाहरण दे दिए नहीं दुर्वाग बात आज मैं करवाई संस्कृति बात लगे उठा एक दिन हमें एक बार फसल कानूनी तोहनी सा में हटे निवेदन कर बो देख
हमें पूरा साल भर जाना झारखंड में घूम रही हूँ। लगभग 18 को जिला, लगभग 122-123 को प्रखंड और 1000 गांव। और हमें पहलियो यदि झारखंड के लोग के सबसे ज्यादा नुकसान फैलो तो है दरुआ में फैलो, जिधर उधर पड़ा ना हो और पी के लट रहा लो। ऊपर से देख ले, ऊपर से की हो कभी भी देखिया जब दरुआ ना तोरा में नहीं कहियो जब दरुआ पिया कौन अगर बीमारी सीधा लीवर के फैलो और लीवर के जो बीमारी हो अगर खर्चा हो 10 लाख घर में 10% न हो, घर में 10% रखो। और साथ ही तो अमिताभ बच्चन नहीं लगे कि लीवर के चेंज भाई जी, एक एक अमिताभ बच्चन के लीवर चेंज भेलो पता हो ना, अब पता नहीं आज भी कोकरो भेलो तो हमारा जानकारी रखो कुली में ना, तो अमिताभ बच्चन नहीं लगा सही खतरे में जड़हात करबो कि तनी दरुआ ना आ गया। हमने बहुत हराइला ये देखा ना, कोई गया से आए हलाय सूर्य नारायण महतो के घर एगो लोग मुंशी रह ललाय आज विधायक बन गए आप दरुआ पीते हैं, कितना नुकसान कर रहा अपन कुछ पता हो। गिदर पढ़े नहीं पार लो, अपना 2-4 पैसा खर्चा करके नौकरी तक नहीं जाए पार लो, आज आधे टास फेट रह लो, कहीं आधे दारू पी के उलट रह लो, तो हमारे विनती करबो ना पी बगमरा से उतना दूर से पी के चल चले पियो मिल चलो। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ पारसनाथ 15 तारीख के आवे खाए भाई भाना परासनाथ लगो ना, परासनाथ टॉनिक लगो ना, ताकि बहुत जानकारी वाला हमने नहीं लगो लगो तो 15 तारीख के जाएंगे दिखा दिया कि पाड़वा हमरो लगा। और साथ ही साथ कल बिहान 7 बजे निर्मल महतो के चौक से हथिया पत्थर तक टूसू के विदाई यात्रा है सभी नैया, उतना जल्दी आ पड़वा बिहान बिहान आ पड़वा। और अपन अपन टुसु लई के हिया, अपन अपन टुसु लई के हिया, तोहनी के नहीं अखनी की गए टुसु तोहनी कहां पे बा, तोहनी तोहनी सिर्फ ऐसने आईया, तोहनी ऐसने आईया से भी बिहान बिहान तो नहीं मिलते हमें पता है, तोहनी आईया हमें प्रणाम कराइयो टुसु लई के हिया हथिया पत्थर जाए के। हां हां नहीं ना बेरमो से अभी राती जाए तो सुधवी तो आराम से ठीक भाई जी, तो अभी हम बुझाए कोई दिक्कत ना है राती ठीक भाई जी। मैं हम अगला बार से कमेटी से आग्रह करबे कोई भी कार्यक्रम मिलता है तो हमें तो जाना है झारखंड के लोग ऊंचाई को सर मिल लेता है तो अखनी के को रिजर्व कोटा राख देते इधर बैठे थे कोई दिक्कत ना है हमें जाना है अखनी अखनी के रिजर्व में को राख कभी ताकि बाकी सब के डिस्टर्ब ना रहे हमें तोहनी कह देलियो ताकि हमें जाना है आसानी से छूटता है ना धीरे धीरे छूटे वो अखनी के रिजर्व में को राख देबे जितना दादा सब लास्ट कह दो ठीक है। आप जाए जाए हमें हटे कह जाबो कि अपन भाषा अपन संस्कृति अपन परम भाषा इला बचाए के रखिया क्या कि हमने अगर संस्कृति बचता है तो हमने वो बाँच पाए। और साथ साथ जाए जाए तारा को छोटा सा वो सांस्कृतिक के उदाहरण देंगे जी वो अच्छा हिंदे बराती जखन आवो है तो एगो बढ़िया एगो डिबा रहा है चाहे मैंने कुछ रहा है अपन में माच रहा है माच रहा है एगो माच रहे या फिर तोर जाए के मूसा के माटी रहे या फिर तोर जाए के छागल कर भड़ारी रहे है ना इटा ही नहीं नियम तो है भाई ढंग नियम तो आप थोड़ा सा सोचिए क्या देखा हाँ तो ना कुल कुल थोड़ा सा सोचिए क्या देखा यदि आज हूँ कल हूँ अगर कोई नौकर किधर के शादी बिहार में पाए और यदि ओकरा तोनी बताए भाग कि तोर शादी के संगे संगे तोर बराती के संगे संगे मूसा के माटी लेके आओ हो छागर के भिड़ारी लेके आओ हो आप तो जगह का माछ लेके आओ तो इधर सब राय की तो लेकिन कितना सुंदर ओकर नियम है माछ माने की लगे ना माछ के माने लगे जब कन्या एक में माछ के देखा है यानी वो चर्चा कर रहा है कि भाई निरन महीने शादी है वो है गढ़ा नाला सुखी गला है डोभा सुखी गला है कुआं सुखी गला है पावो यदि माछ को वाला है यानी गांव पे कोनो ना कोनो कोना है पानी स्रोत है जाए जी बेटिया प्यासे ना धार्मिक संस्कृति बहुत सुंदर रहा अपन संस्कृति के लिए बचाए के रख लिया और बात की है छागर कर भिड़ारी रहे तो इटा माने लागो की देखिए
छागर के भिड़ारी माने कि घाट के छगरी पटरू है, छगरी पटरू है अगर माने झूरी तो जगह पाप पाला भेव है, और यदि पाप पाला भेव है अगर माने झूरी झाटी भेव है, और यदि झूरी झाटी भेव है यानी चूल्हा करे आठ कर। तो हमने अगर कुछ बेकार से बेकार चीज भी आना आना उठा कोई ना कोई माने उठा कोई ना कोई मतलब हो, और लास्ट की है मूसाक माटी। तो मूसाक माटी माने सोभिन जाना है ना, जहाँ खाने के चारे के बेटा कहीं मूसाक माटी। तो हमने संस्कृति बहुत सुंदर है बचाए के रखिया ठीक है, क्योंकि यार तू वो कलाकार अपनी अपने को समय दे भाई विशेष समय। हाँ बाकी ठीक है कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों इनकलाब आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है, क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है, बलिदान मांगा है जवाब ना। हमरा तो डाउट तोनिए पे हो, लड़े ले जीवे तो नहीं रास्ते में उलट रहे ना रबा, तैयार तो हा दादा ठीक है ना। कि अब याचना नहीं रन होगा, अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, हेमंत बाबू ये तो वैसा होगा पहले ना कभी जैसा होगा, भाषा से भाषा टकराएगा फिर शेष कुछ न बच जाएगा, जीवित जाना मांग होंगे मरने की लाचारी होगी, इस सर्वनाश की हेमंत राणा तुम पर। और साथ ही साथ एटे कहो यदि झारखंड सरकार हमनी संस्कृति के नए बचे चाहे, यदि हमनी खातिर नीति नियम नए बनाता है, यदि रांची के विधानसभा में नियम नए बनता है तो झुमरा के बाहर में तैयार है ना। यदि रांची के विधानसभा में सरकार निर्णय नए लेता है तो निर्णय झुमरा के पहाड़ में रहता है, निर्णय पारसनाथ के पहाड़ में रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले आओ 15 तारीख के, अगर बात देखवाए सुनवाए अगर बात डिसाइड करवाए कि सरकार परास्नान में बहन सका ले कि ना। आज यदि सरकार परास्नान और झुमरा में बहन के लिए तो अच्छा अच्छा बाप बाप कर लेते ठीक है। जितना जान हमर से बड़ो लगा, जितना जान हमर से बड़ो लगा, हाँ 15 के परास्नान और कायल बिहार ने हथिया पत्थर। और साथ ही अभी सावित्री दी अपनी आयल है प्रसिद्ध गायक टोनी सुन लिया बाबर गाना 12 मास 13 परब 32 से खतियान रे। हाँ तो दीदी कर गाना सुन के जी हाँ आज समय ज्यादा नहीं दिए पार्वो का यार जाना है, जितना जान हमार से बड़ो लगा, जितना जान हमार से बड़ो लगा, सोभिन की एक ही संगे जोड़ हाथ कर रही हो, जितना हमार से बड़ो लगा सोभिन के एक ही संगे जोड़ हाथ कर रही हो, और चेंगर गिला के आशीर्वाद दे हो। हेलो, आप सांस्कृतिक थोड़ा स्टेज खाली कर दें, आप सावित्री कर्मकार और बिट्टू विश्वकर्मा का कार्यक्रम है, ये दोनों माइक का आवाज दे दें प्लीज। बिट्टू पारस नाटक जो गाना गाए हैं बिट्टू विश्वकर्मा और सावित्री कर्मकार, उनका पारस नाटक मेला घुमाए देव, उनका कार्यक्रम है, थोड़ा स्टेज खाली कर दे प्लीज, स्टेज खाली कर दे, स्टेज खाली कर दे सब, स्टेज खाली कर दे प्लीज, स्टेज खाली कर दे। हेलो हेलो, स्टेज खाली कर दे, आपको एक गाने के बाद आपको नंबर आएगा ना, स्टेज खाली कर दे प्लीज।